वेलकम बैक। मैं हूं अजहर रियाज और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद अजहर रियाज। आज होगा हमारा लेक्चर नंबर 5। किसके बारे में होगा? टॉपिक होगा एवरीडे और एवरीडे। ये दो एक्सप्रेशंस हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, ये दो फ्रेजेस हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। मोस्टली लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि एवरीडे की दो फ्रेजेस एग्जिस्ट करती हैं इंग्लिश लैंग्वेज में और उनके डिफरेंट मीनिंग्स हैं और उनका डिफरेंट यूज है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको कंसिस्टेंटली मिलती रहे। आइए अब आपको बताते हैं कि एवरीडे और एवरीडे में डिफरेंस क्या है और उनका यूज कैसे आपने करना है। सो डियर लर्नर्स, हमारे पास दो फ्रेजेस हैं, दो एक्सप्रेशंस हैं इंग्लिश लैंग्वेज में और दोनों ही कंफ्यूज्ड हैं और कॉमन मिस्टेक की जाती है उनके यूज में। अच्छा, क्या मिस्टेक की जाती है? सबसे पहले तो उनकी आइडेंटिफिकेशन जान लीजिए कि एक एवरीडे विदाउट स्पेस है और एक एवरीडे के दरमियान स्पेस है, यानी कि एवरी स्पेस डे। तो ये दो एक्सप्रेशंस हैं। अब उनमें से पहले वाले का मैं आपको बिल्कुल कंप्लीट डिटेल्स बताता हूं। ये देखिए, यहां पे लिखा हुआ है आपके सामने एवरी डे विदाउट स्पेस, ठीक है? ये एज अ होल एक वर्ड है, विदाउट स्पेस एंड वन वर्ड, ये एक वर्ड के तौर पे बिहेव करता है। ये एवरीडे वो एवरीडे नहीं है जिसको हम हर रोज बोलते हैं, ठीक है? ये डेली नहीं है, ईच डे नहीं है। ये सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव अपना रोल प्ले करता है, ठीक है? ये मॉडिफाई करता है हमारे नाउन को, तो इट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट काइंड। हां जी, तो ये जो एवरीडे जब हम यूज करते हैं तो हम क्योंकि ये नाउन से पहले हम यूज करते हैं तो ये हमारे नाउन को मॉडिफाई कर रहा होता है और नाउन की उस कंडीशन को बयान कर रहा होता है कि इन what condition or in what kind that noun is placed in that sentence, के यानी कि वो noun किस condition में उस sentence में आ रहा है। तो मैं example देकर आपको समझाता हूं। अच्छा, ये बहुत important point है, it describes common or ordinary things। हाँ जी, जिस भी noun के साथ आपने everyday लगाना है तो everyday जो है वो हमें मतलब देता है casuality का, normal routine का, ठीक है, कॉमन और ऑर्डिनरी चीजों का। अब देखिए एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये पहले मैंने एक आपको एग्जाम्पल लिखी है एवरीडे क्लॉथ्स, यानी कि ये आपके पास नाउन है, ठीक है, क्लॉथ्स जो आपकी ड्रेसिंग होती है। उसके बाद आपने साथ में एवरीडे यूज किया एज एन एडजेक्टिव विदाउट स्पेस, ठीक है। अब जब आपने क्लॉथ्स के साथ एवरीडे प्लेस कर दिया है तो इट मींस वो क्लॉथ जो आप नॉर्मली या कैजुअली अपने घर में यूज करते हो और पार्टी वगैरह पे जाने के लिए जो हम फॉर्मल ड्रेसिंग करते हैं वो इसमें फॉल नहीं करती। आम कपड़े घरों में जो हम पहनते हैं, ठीक है, तो वो इस मीनिंग में आ जाएगा, ठीक है। अभी इसी तरह ये भी है, वही चीज है, क्लॉथ की जगह मैंने क्लॉथिंग लिख दिया है तो दोनों ही ठीक है, सेम मीनिंग है। अब देख लीजिए एवरीडे डिनर, यानी कि वो डिनर जो एक तकल्लुफ से हटके होता है, जो घरों में आम खाना पकाया जाता है हर शाम को नॉर्मल रूटीन में, ठीक है, तो ये कोई स्पेशल डिनर नहीं होता, कैजुअलिटी मींस कि कैजुअल चीजें हो जाती हैं, नॉर्मल हो जाता है, उसको नॉर्मलाइज कर देता है एवरीडे, यानी कि उस चीज की स्पेशलिटी को खत्म कर देता है, उसको बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में ले आता है। ये देखिए आपको यहां पर ज्यादा समझ आएगी एग्जाम्पल नंबर 4 में, Everyday clothing is not used at party. क्या है जी कि everyday clothing, यानी कि जो हमारे रोजमर्रा के कपड़े होते हैं, जो रोजमर्रा की ड्रेसिंग होती है, जो हम अपने घरों में ज्यादातर पहनते हैं, अपने ऑफिस से वापिस आकर, अपने किसी भी मतलब ऑफिशियल काम से वापिस आकर हम रिलैक्स फील करते हैं, हम अपनी ड्रेसिंग चेंज करते हैं, तो वो चीजें जो होती हैं, वो ड्रेसिंग जो होती है वो पार्टी पर नहीं पहनी जा सकती, ठीक है। वहां पे तो हम एक प्रॉपर ड्रेस पहनते हैं, पार्टी ड्रेस खरीदा जाता है और प्रॉपर ड्रेसिंग करते हैं, ड्रेसअप होके जाते हैं। तो ये है
एवरीडे का यूज जिसके दरमियान में स्पेस नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि वो एवरीडे जो हम समझते हैं उसका यूज कैसे होता है। जी, ये है वो एवरीडे जिसको हम कंसीडर करते हैं उस एवरीडे पे जो विदाउट स्पेस है। ये है वो एवरीडे जिसको हम एज डेली यूज करते हैं, इसमें स्पेस होती है। ठीक है, ये मैंने लिखा है यहां पे विद स्पेस, एवरी स्पेस डे। ये वाला जो एक्सप्रेशन होता है स्पेस के साथ, एवरी स्पेस डे, ये मीनिंग देता है हमें डेली का, ये मीनिंग देता है हमें ईच डे का। ठीक हो गया। और ये एवरी डे एज एन एडवर्ब जो है वो बिहेव करता है सेंटेंस में। अब एग्जांपल्स आप देखिए, एग्जांपल ये है कि आई वियर पैंट्स एवरी डे। ठीक है, कि मैं पैंट पहनता हूं हर रोज। एवरी स्पेस है, ठीक है, यहां पे स्पेस है और डे अलहदा, ये दो अलग से ये कंपाउंड वर्ड है, मींस के दो वर्ड्स के साथ हमें एक वर्ड जो बनता है, बीच में स्पेस है, बस आपने ये ख्याल रखना है। इसी तरह के आई वियर पैंट्स ईच डे, आप एवरी की जगह पर ईच भी लगा सकते हैं, दैट इज एब्सोल्यूटली फाइन, इसमें कोई गलती नहीं होती। लेकिन गलती यहां पे होती है, आई वियर पैंट्स एवरी स्पेस नहीं है, आपने एवरी डे विदाउट स्पेस लिख दिया, यहां पे आपने स्पेस नहीं दी, ईच डे लिख दिया। तो ये लिखना एवरी डे विदाउट स्पेस या ईच डे विदाउट स्पेस, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि एवरी डे जो है वो हमें कैजुअल रूटीन के बारे में बताता है, हमें ये नहीं इस एवरी डे का ये मतलब नहीं होता डेली वाला। ठीक है, बस इतनी सी बात आपने ख्याल रखनी है। जब भी आपने एवरी डे को डेली के मीनिंग में लेना है तो आपने बीच में स्पेस लाजमी रखनी है एवरी और डे के दरमियान में। तो ओवरऑल मैं इसको समराइज कर देता हूं कि हमारे पास दो एवरी डे होते हैं इंग्लिश में, एक एवरी डे होता है विदाउट स्पेस, एक एवरी डे होता है विद स्पेस। जो पहला एवरी डे होता है वो हमारा एज एन एडजेक्टिव बिहेव करता है, जो दूसरा एवरी डे है विद स्पेस वो हमारा एज एन एडवर्ब बिहेव करता है। दोनों डिफरेंट वर्ड क्लासेस हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच को ये डिनोट करते हैं। उसके बाद जो एवरी डे विदाउट स्पेस है वो हमें बताता है किसी भी चीज का रफली रूटीन में जो हम यूज करते हैं, कॉमन यूज, ऑर्डिनरी यूज, ऑर्डिनरी थिंग्स को वो डिस्क्राइब करता है। इसी तरह जिस दूसरा जो एवरीडे है जो विद स्पेस है वो सिंपली वही एवरीडे है कि जिसका मतलब है डेली, जिसका मतलब है ईच डे। आप एवरीडे ईच डे दोनों ही ठीक हैं, डेली ठीक है, लेकिन जहां पे आपने डेली का मीनिंग लेना है वहां पे आपने एवरीडे विद आउट स्पेस यूज नहीं करना। सो दैट वाज ऑल अबाउट द समरी ऑफ द लेक्चर। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माय चैनल। आई होप कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।